नमस्कार साथियों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2020 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ में एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि किस तरह से क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम डेट क्या है और सिलेबस क्या है, ठीक है। साथ में हम कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन जो है आपके 4 मार्च से आप लोग फिल कर सकते हैं और ये 2 अप्रैल तक, यानी 4 मार्च से 2 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 मई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आपके एग्ज़ाम डेट होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल पोस्ट जो हैं वो 32 हैं, ठीक है। ये 32 पोस्ट हैं, जनरल की 13 हैं, बाकी सब रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ के कैटेगरी के लिए, ठीक है। और पदों की संख्या यहाँ पर मेंशन कर रखा है, परिवर्तनीय यानी कभी भी चेंज हो सकती है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों को पता ही होगा, LLB, और LLB के साथ साथ जो कम से कम एज है वो 21 से 30 वर्ष 35 ईयर तक होनी चाहिए और 1 जनवरी 2021 से ये गणना होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मेजर है आप लोगों के लिए, कि उसमें क्या डिस्कस करना है, तो पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेंटर प्री के दे रखे हैं इन्होंने और मेंस के बिलासपुर और रायपुर में होंगे, ठीक है। प्री में आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, जिसमें IPC, CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, TPA, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेड एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोलर एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड, नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट, ये, ठीक है, ठीक है। कुल मिला के 15 सब्जेक्ट हैं सारे। आफ्टर दैट मेंस होगा, ठीक है। और मेंस में आपका जो पहला पेपर है, मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेंस होगा उसमें 100 नंबर का ये पेपर है आपका, और जिसके अंतर्गत 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है। जो जजमेंट राइटिंग का होगा और आपका फ्रेमिंग का होगा, हिंदी इंग्लिश टू ट्रांसलेशन होगा, आप लोग www.psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि 33% आपको मिनिमम स्कोर चाहिए वाइवा इंटरव्यू में, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके 25%, 1/3 स्टूडेंट्स रेशियो के उसमें बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी इससे पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरी तरीके से इसमें एक एक टॉपिक्स को लेकर। तो जो भी लोग वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और कोई भी रिलेटेड इससे न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू।